तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे लिनक्स वर्सेस नेटवर्क एडमिन या लिनक्स एडमिन वर्सेस नेटवर्क एडमिन। तो बेसिकली मैं आपको इसमें वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली में आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या हो सकता है, दैट इज KRA। तो बेसिकली देखो लिनक्स क्या होता है, एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप विंडोज यूज़ करते हो वैसे कंपनीज में लिनक्स यूज होते हैं सर्वर्स में। अब सर्वर में यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका यूज भी होता होगा। तो जो बेसिकली लिनक्स का काम होता है वो जैसे कोई एप्लीकेशन होस्टेड है लिनक्स पे है या कोई सर्वर होस्टेड है वो लिनक्स पे है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर सपोज जीमेल तो एक गूगल का क्लाइंट है, गूगल का एक एप्लीकेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो अभी होता क्या है कि सपोज जीमेल एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप कॉलिंग करते हो, लिनक्स हो गया आपका बैकएंड में जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर है जहाँ से वो बैकएंड उसकी चीज़ें देखी जाती हैं, और एक UI होता है जहाँ से यूजर इंटरफेस जहाँ से आप लॉग इन करते हो, यूजर को क्रिएट करते हो। एक सपोज आपका कॉल सेंटर है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, मैं जीमेल ना मान के कोई ABC एक एप्लीकेशन है जिससे आप कॉल्स करते हो, जहाँ से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हो या किसी कस्टमर की क्वेरी वहाँ से आप रिजॉल्व करते हो जो कस्टमर केयर पे बैठे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप लॉग इन करते हो आपको वो एक यूजर इंटरफेस मिलता है और उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बैकएंड में हैंडल हो रही होती हैं, वो लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म बैकएंड में चल रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप हो सकता है सर्वर पे काम करो, हो सकता है आप एप्लीकेशन पे काम करो, लेकिन वो लिनक्स बेस होता है, एक लिनक्स सिस्टम होता है। इसमें चांसेस कम होते हैं वायरस वगैरह आने के, बेसिकली फ्री रिसोर्स होता है, कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं एज कम्पेयर टू विंडोज की काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कंपनीज में। ये बेसिकली हो गया कि लिनक्स का यूज़ क्या है या आपको जॉब क्या करनी पड़ेगी। अभी मैं बात करता हूँ नेटवर्क एडमिन या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो दोस्तों नेटवर्क क्या है कि इनिशियली आपको क्या होता है कि आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल देखना पड़ेगा, स्विच कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये बेसिक नेटवर्क का बंदा करता है। अब नेटवर्क एडमिन में क्या होता है कि कुछ लोग नेटवर्क सिक्योरिटी में चले जाते हैं, कुछ लोग राउटिंग एंड स्विचिंग में चले जाते हैं। तो राउटिंग एंड स्विचिंग में क्या होता है कि आपको नेटवर्क मैनेज करना पड़ता है कंपनी के, कि ये हो सकता है कहीं पे ड्रॉप हो रहा हो, कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो। सपोज आपके यहाँ जो नेटवर्क लगा है उसकी जो लैन कनेक्टिविटी है वो अगर टाटा से आ रही है और आपने देखा कि आपका इंटरनेट डाउन है, तो क्या होता है कि जो आप वहाँ पे चेक करोगे, फाइंड आउट करोगे कि कनेक्टिविटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है। एक मैं छोटा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कंपनीज में बहुत बड़े बड़े नेटवर्क यूज होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा भी मेरे बताने से कि अच्छा यार ये तो छोटा सा काम है, लेकिन जब आप किसी MNC कंपनी के लिए नेटवर्क एडमिन की जॉब करते हो या नेटवर्क प्रोफाइल पर जॉब करते हो तो वहाँ पे बहुत काम होता है। इन काम इन द सेंस कि बहुत सारे टास्क होते हैं आपके पास, आपको लगता होगा कि नहीं रोज़ रोज़ कौन सा ब्रेक होता है, रोज़ रोज़ नेटवर्क डाउन नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेटवर्क के अंदर जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर आप वहीं सिक्योरिटी में जाते हो तो हो सकता है आपको फायरवॉल मैनेज करना पड़े, वो जहाँ सिस्को के आते हों, फोर्टीनेट का हो या सिस्को या सोनिक वॉल का हो, तो ये जो फायरवॉल की कंपनीज हैं आपको हो सकता है उसमें मैनेज करना पड़े। लेकिन इन दोनों में एज कम्पेयर सिक्योरिटी बेस्ड है अगर आप सैलरी के अकॉर्डिंग जाओगे, बट आपको सीखना भी अच्छा पड़ेगा और काम भी आपको अच्छा खासा वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बेसिक KRA बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया क्या होती हैं लिनक्स और नेटवर्क की। अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कॉमेंट जरूर करें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।